अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस वीडियो में की मीन्स क्लस्टरिंग के बारे में स्टडी करते हैं। उससे पहले हमने नेव बेस भी देख लिया, SVM भी देख लिया, डिसीजन ट्रीज भी देख लिया, और आज हम नेव बेस के बारे आज हम की मीन्स क्लस्टरिंग के बारे में स्टडी करते हैं कि की मीन क्लस्टरिंग के ऊपर क्या है। तो इसके अंदर ऐसा करते हैं कि एक क्लस्टर को हम नंपाई अरेज में से बनाते हैं। उसके लिए मैंने कुछ लाइब्रेरीज इम्पोर्ट की हैं जो यहाँ पर आपको देख भी रहे हैं। तो किसी डाटा सेट के बजाय इसके ऊपर आज हम नंपाई इसके ऊपर बना के देखते हैं। तो उसके लिए मैं नंपाई की अरेज बना लेता हूँ। नंपाई अरेज मेरी ऐसी हैं, इंटरमेशन अरेज होती हैं हमारी, हम पाइथन में उनको यूज़ करते हैं अपने डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। लाइक तकरीबन सिमिलर टू सिंपल अरेज ही होती हैं, लेकिन ये इंटरमेशन अरेज होती हैं, इनके अंदर हमारे पास डाटा काफ़ी फॉर्म्स में सेव होता है, तो हम सिर्फ उनको यूज़ करते हैं। तो इनको देख लेते हैं। ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो मैं कोई वैल्यू साइन कर रहा हूँ इनको। ओके अच्छा, मैंने टोटल 10 वैल्यू मैं असाइन पर लगा देता हूँ कि मुझे टोटल 10 वैल्यूज असाइन करनी है। तो उसके लिए मैं अपना मैकेनिज्म इसके यहाँ पे ये मैकेनिज्म है, यहाँ पे ब्रैकेट, ओके ब्रैकेट इशू रिजॉल्व हो गया। ओके अब मैं कोई भी यहाँ पे वैल्यू असाइन करता हूँ इसको। कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी जेन में आ रहा हो वैल्यूज असाइन कर सकते हैं हम, सिर्फ नाम पे अरेज को डिफाइन करने के लिए। या अगर हम स्ट्रक्चर वे में चलें तो एक स्ट्रक्चर वे में लेकर चल जाते हैं, उधर डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी एक नंपाई अरेज डिफाइन हुई है। इसके बाद हम नंपाई अरेज को इसको स्कैटर्ड प्लॉट करके देख लेते हैं कहाँ पे कैसे बनी। उसके लिए स्कैटर्ड का फंक्शन हम यूज़ करते हैं प्लॉट के लिए, और एक्स सारी रोज मुझे चाहिए और जीरो इंडेक्स पे चाहिए। इसी तरह मुझे सारी रोज और कॉलम्स दोनों मैंने रीड कर लिए। अगर इसको मैंने कोई लेबल भी देना है तो लेबल भी दे देते हैं। अगर इसको यहाँ भी मैं प्रिंट करवा के देखें कि मेरे पास प्लॉट में क्या शो करवा रहे, तो उसको टू मैन इंडेक्स फॉर अरे। ओके इसका इसको एरर को अगर हम रिजॉल्व करें, देखते हैं हम कहाँ पे एरर दे रहे।
प्लॉट डॉट स्कैटर के ऊपर टू मैनी इंडेक्स फॉर अरे। ओके तो एरर हम इसको देख लेते हैं। अच्छा हमने प्रिंट करवाना है। ओके प्रिंट तो हमने ठीक है, प्रिंट की जगह अगर मैं प्लॉट डॉट शो करवाऊँ के देखूँ उसको तो ये मुझे क्या रिजल्ट देता है। ओके इसने मुझे कुछ वैल्यूज असाइन कर दी हैं जो मैंने अपने यहाँ पे डिफाइन की थी, उसके ऊपर इसने कुछ ग्राफ्स बना के मुझे दे दिए जो माइंड भी अगर रफली देखें तो कुछ क्लासेस मेरी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ में, अगर मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करूँ तो ये पांच क्लास का एक क्लस्टर है, पांच क्लास का एक क्लस्टर है। तो देखते हैं आगे इन क्लस्टर को सेंट्रोइड बनाते हैं कि इनका सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, इनके ऊपर के मीन्स लगाते हैं कि इनका डिफरेंस कितना है जो हमने नाम पर डिफ़ाइन किया उसी बेस के ऊपर। तो आगे देखते हैं इसको। अब के मीन्स वेरिएबल मैंने लिख लिया और जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है के मीन के ज़रिए मैंने क्लस्टर डिफाइन करता हूँ कि मैंने कितने बनाने हैं, नंबर ऑफ क्लस्टर आ गया, नंबर ऑफ क्लस्टर दो, मुझे दो क्लासेस थी तो मुझे नंबर ऑफ क्लस्टर भी दो बनाने हैं। और इसी तरह मैंने के मीन्स डॉट फिट, जैसे हम मॉडल्स को फिट करवाते थे इसी तरह मैंने के मीन्स के डेटा को फिट करवा दिया। और यहाँ पे पैरामीटर में मैं पास कर दूँगा सिंपल एक्स, मेरे पास एक्स है। अब प्लॉट के लिए स्कैटर करवाते हैं दोबारा। अब मुझे क्या क्या करवाना है स्कैटर, अच्छा मुझे यही अगर नहीं है इसे कॉपी कर लूँ, यही मुझे दोबारा करवाना है। और एक मैं इसको C इज इक्वल टू मीन्स डॉट पास कर देता हूँ। और अगर मैंने इसको कलर डिफाइन करने हो कि माइट भी कभी रेड आए कभी ब्लू आए तो उसके लिए मैं सी मैप का फंक्शन यूज़ करता हूँ। ये बेसिकली मेरे कलर्स ड्रा करेगा, तो कलर्स में मैं रेनबो लिख देता हूँ, रेनबो ठीक है। अब एक और प्लॉट अगर मैं ड्रा करूँ प्लॉट डॉट स्कैटर से, एक और अगर प्लॉट इधर मैं पास कर दूँ के मीन्स डॉट क्लस्टर सेंटर्स, आई थिंक यही है मुझे क्लस्टर सेंटर्स में मुझे चाहिए सिर्फ एक्स, सिर्फ रोज, रोज मैंने पास कर दी। और अगर मैं दोबारा एक और क्लस्टर सेंटर बना के मीन्स डॉट क्लस्टर सेंटर और इधर मैं वाई पास कर दूँ और इनके कलर ब्लैक डिफाइन कर देते हैं। अब प्लॉट को स्कैटर्ड करवा, प्लॉट को शो करवा के देखते हैं, प्लॉट डॉट शो, इसको रन करके देखते हैं। यस जैसे पहले एक और ग्राफ भी देख लेते हैं। इसको अगर मैं कमेंट करते हैं, जो फर्स्ट वाले ग्राफ के अंदर था उसके अंदर हमारे पास सिर्फ कोई कलर नहीं था कि कौन सी क्लास किस क्लस्टर से बिलोंग करती है। तो बेसिकली के मीन्स का क्लस्टरिंग में ये होता है कि हम एक ही किस्म के सबके एक ही सबका फंक्शन होता है, हम उसके डिफाइन करते हैं। जैसे हमें यहाँ से कलर से भी पता लग सकता है कि ये वाला क्लस्टर इस क्लास से बिलोंग करता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों क्लास एक ही होंगी, ये दोनों पॉइंट्स या डाटा एक ही क्लस्टर से बिलोंग करते होंगे। तो हम लोगों ने इस वजह से रेनबो का फंक्शन भी यूज़ किया, कलर इसलिए जैसे भी किया कि हम लोगों को क्लासेस के अंदर डिफरेंस का पता लग जाए। और अगर जैसे अब क्लस्टरिंग में डिफाइन किया तो उनका सेंट्रोइड भी कोई ना कोई होता है, तो हम उसका सेंट्रोइड को भी डिफाइन कर देते हैं। और इसके लिए मैं इसको करता हूँ कमेंट इसको ऊपर। तो ये अब इसका सेंट्रोइड ये है, क्लास रेड का सेंट्रोइड ये है,
क्लास पर्पल का सेंट्रॉइड ये है। सेंट्रॉइड ये होता है कि आपके सेंटर से डाटा का कितना डिस्टेंस है। अगर हम इन सबको एवरेज करें या इन सब का स्केयर, तो इसका सेंट्रॉइड ये है, यहाँ से सब इस क्लास से कितना बिलोंग कर रहे हैं। अभी ये जो क्लास नीरेस्ट है, इसका मतलब है ये कि बहुत ज़्यादा बिलोंग करती है इस क्लास के करीब है, या माइंड भी इसकी एवरेज हमारे पास सपोज कर लेते हैं हम 70% आ रही होती है, इसकी माइंड भी 40% आ रही हो, और इसकी तो हो सकता है 10% आ रही हो, लेकिन ये क्लास बी के अंदर माइंड भी इसकी एक्यूरेसी 40% आ रही हो। तो हम लोग ऐसे के मीन क्लस्टरिंग के ज़रिए भी अपने डाटा को स्कैटर करके प्लॉट करके सेंट्रॉइड बना के उसमें से डाटा निकाल के देख सकते हैं कि हमारी क्लासेस किसके साथ ज़्यादा बिलोंग करती हैं। तो हमने यहाँ तक के मीन्स भी देख लिया, SVM भी देख लिया, डिसीजन ट्री भी और नेम पेज भी।